एक काम कर, ही रोक ले, ही रोक ले। ओ भैया गाड़ी रोकी यार, यहाँ से अगर गिरे, अगर यहाँ से कूद गए हम तो क्या मिलेगा? चल बेटे, चल बेटे, चल बेटे, शाबाश, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े। ओए इतने तो बहुत हिला दे साले ने। ओ भैया देख गया कितना हिला। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम पांचों भाई फिर से जा रहे हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही खास जगह, और खास क्या, वो बहुत ही छुपी हुई जगह है। क्या नाम है उसका भाइयों? उसका नाम है लेंसडाउन। इस जगह के बारे में काफी लोगों को नहीं पता, हमें भी अभी तक नहीं पता, हमने भी सुनाई है गूगल वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लेंसडाउन को, देखेंगे वहाँ क्या क्या है। और तो वहाँ एक जगह है भीम पकौड़ा, और तो वहाँ भी जाएंगे, देखेंगे वो क्या चीज है, कैसा पकौड़ा है वो। मेरठ से पड़ता है वो 180 किलोमीटर, और अभी हम सुबह घर से चले थे, लगभग 5 बजे चले थे घर से, और हमने 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, हम यहाँ नाश्ता करने के लिए रुके थे, झूठ बोल रहा है, चाय पिए अपने घर से चाय ला रहा है। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा लेंसडाउन के लिए। तो गाइस अभी लंच करने के लिए रुके हैं, और यहाँ से लेंसडाउन है 52 किलोमीटर। अब एक ढाबे पे रुके हैं, अनमोल गढ़वाली ढाबा, तो यहाँ करेंगे हम लंच। तो गाइस हमने 10 बजे ही लंच कर लिया है, और अब निकल रहे हैं हम सीधा लेंसडाउन के लिए। लेंसडाउन से पहले अब कहीं ब्रेक नहीं लेंगे। आजा आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। अरे ना कर रहा, फाइट होगी, फाइट होगी, फाइट होगी। पचास किलोमीटर के पहाड़ की चढ़ाई के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं लेंसडाउन। तो अभी नीचे है, लेंसडाउन से भी ऊपर आ गए हैं हम। टिप टॉप जगह का नाम है इसका, टिप इन टॉप। तो ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ का, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, और इसके ऊपर पहाड़ी नहीं है गाइस, टिप इन टॉप ये नाम है इसका। तो अभी जा रहे हैं और देखते हैं कैसा कैसा नजारा देखने को मिलता है भाई। ये रहा टिप इन टॉप। तो आज पहाड़ पर, पूरे पहाड़ पर गाड़ी मैंने चलाई है। अभी अभी हमने बहुत बड़ा फ्रॉड करा है यहाँ पर, जहाँ से अब हम जा रहे हैं जिस रास्ते पे, यही एक साइड में एक टिकट काउंटर था, तो वहाँ उन्होंने हमसे पूछा की टिकट कटवा लिया आपने? हमने बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हाँ कटवा लिया, पैसे बचा लिए। पैसे बचा लिए और क्या, 150 रुपए दिखा दी, मतलब अपनी पंडितों वाली हैं। और तूने गुजरों वाली है। ओ ये है मेन चीज, क्या मैं जगह की बात कर रहा हूँ। सो गाइज चेक दिस आउट, यार इस व्यू का आनंद लेने के लिए लोग बाग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। पांडे अगर छोटी सी भूल होगी ना, छोटी सी भूल करी, घर वालों क्या जवाब देंगे तेरे? गाइस मुझे नहीं पता कि कैमरे में इसका व्यू कैसा आ रहा होगा, बट मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, इतना प्यारा व्यू मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि पैसा वसूल हो गया, इतनी मेहनत जो हमने करी है ना यहाँ आने तक, सब वसूल हो गई इसे देखते, इतना सुकून मिल रहा है ना। घबराहट हो रही है नीचे देखने में, जी में वो हो रहा, मतलब वो है ना, जी में चला रहा है। मतलब वो नहीं, वो है ना, मतलब। सो गाइज अपना फोटो शूट हो चुका है, लोग यहाँ पर ज्यादातर फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, और हमने भी अपना काम कर लिया। अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। ये क्या है, एडवेंचर पार्क? एडवेंचर पार्क क्या है भैया? देखे चल गए, ट्रैकिंग टाइप, क्या नाम है, जंगल की ट्रैकिंग चले। सो गाइज यहाँ हमने बोर्ड देखा है एडवेंचर पार्क का, और हमें हो गई है चुल की, अब हम जाके रहेंगे। बंद है, तो गाइस हमें यहाँ शेर भी मिल सकते हैं, बंद कर रखा है तो ऊपर से कूदना। सो गाइस यहाँ लग रहा है गेट, और गेट पर लग रहा है ताला। तो यहाँ पर बाघ पाए गए हैं अपने आप ही, तुकेदा क्या पता है, हाथी, लोमड़ा हो, हाथी ना होंगे, लोमड़ा हो या लोमड़ी भी हो सकती है। क्या है रोहित भैया, क्या ये है, बब्बर कुत्ता। तो यार अफसोस यहाँ पर गेट लगा हुआ है, वरना हम जरूर जाते इस जंगल के रास्ते से पहाड़, बट कोई बात नहीं, निराशा को हाथ में लेते हुए। निराशा कहाँ है भाई तुम्हारा, हाथ में एक में तो आईफोन 11 है, एक में निराशा नहीं है, खाली है हाथ। बाथरूम किसको जाना है, बाथरूम जाना है? बिना पैसों के अगर करते हुए पकड़े गए तो 5 रुपए जुर्माना। अबे नहीं, पानी खुला छोड़ दिया तो 5 रुपए जुर्माना है अगर पकड़े गए, और अगर पानी नहीं डाला तो जान से डालते ही नहीं। तो गाइस हमें एक बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है, उत्तराखंड वालों ने करी है एक बहुत बड़ी गड़बड़, और वो गड़बड़ है ये,
इस जगह का नाम है टिप इन टॉप और इसका नाम लिख रखा है टिफिन टॉप। भगवान थोड़ी है, गलती तो होगी, इंसान से होती है गलती, कोई बात नहीं, माफ करा। माफ करा, तू कौन हो, माफ करने वाला। देख 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 क्या कर रहा था, क्या कर रहा, कर दिया काम, कर दिया काम, कर दिया। ये हरी घास नहीं हो रही है, हरी घास इसलिए हो रही है कि सीट हो गई चेंज और ड्राइविंग करेगा पांडे, तो मैं इस साइड बैठूंगा और इस बार नजारों के मजे मैं लूंगा। जब उस साइड से मैं गाड़ी चला के ला रहा था ना, तो साइड में बिल्कुल मेरे जस्ट साइड में इतनी गहरी खाई थी, बट मैं देख नहीं पा रहा था कि अगर देख लेता तो डर जाता और हैंग हो जाता ड्राइविंग करता करता। अब मैं मजे लूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सो गाइस, हमारा प्लान बन चुका है भीम पकौड़ा जाने का। यहाँ की एक बहुत ही खास जगह है, मैं सब कुछ आपको वहीं बताऊंगा, अब यहाँ बता दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा। सो गाइस, हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक, यानी कि स्टिंग ब्रेक। मैं आपको बता दूं, इतना खतरनाक रास्ता है, देखोगे। एक मिनट रुक जाओ यार, कट जाएगी हार्ट बीट, देख तो मेरी इतनी तेज हो रही है। गाइस रास्ता देखो, रास्ता अगर यहाँ से गए ना, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। ओए, अरे गाड़ी को परे को ले ले भाई, से खाई रह गई उधर और हम आ गए इधर। भीम पकौड़ा है पता नहीं किधर, ले फिर आगे खाई यार। एक काम कर, ही रोक ले, ही रोक ले। ओ भैया गाड़ी रोक भाई, आगे का रास्ता इतना खतरनाक है। ओए हैंड ब्रेक लगा इसका, हैंड ब्रेक। गाइस देखो यार, साइड का जो व्यू दिख रहा है ना आपको, इतनी गहरी खाई है ना यार, यहाँ से अगर गिरे। ओए ओए हाथ दे यार, वो इतना गहरा यार, देख रहे हो आप, इतना गहरा। हमने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है क्योंकि अगर आगे जाएंगे ना तो रिस्क बहुत है। और सेफ्टी दिखाऊं, इन लोगों ने सेफ्टी के लिए जो लगा रखे हैं ना, पता क्या लगा रखे हैं, देखो उसके लगा रखे हैं उन्होंने, ये लगा रखे हैं ये। अब हम जा रहे हैं भीम पकौड़ा। अगर यहाँ से कूद गए हम तो क्या मिलेगा, चलो शर्त के तौर पर 20-20 रुपए की स्ट्रिंग पे आऊंगा, कौन कूदेगा बताओ। 20 रुपए की, और क्या, 20 रुपए के ऊपर थोड़े कूद देंगे। और कहाँ से कूदोगे, वहाँ से कूद जाओ। चलो कर दिया रनिंग चालू गाइस, चलो 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 चलो। ओए रुको, इधर रुको, बुलेट दो, रुको, सबसे पहले मैं जाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं पहुंच चुका हूँ भीम पकौड़ा, और ये है मेरे साइड में भीम पकौड़ा। तो यार ये है वो पत्थर और इसका नाम है भीम पकौड़ा। इस भीम पकौड़े के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, इस पत्थर को कोई भी दो उंगली से या फिर अपने हाथ से हिला सकता है बड़ी आसानी से, बट आज तक इसे कोई भी गिरा नहीं पाया। पूरी जान भी लगा लेंगे ना तो ये गिरेगा नहीं। अब हम भी ट्राई करते हैं। ओए इतना तो बहुत हिला दे साले ने। ओ भैया देख आओ भैया, तो कितना हिला, ये हिल तो रहा है बट यार देख रहे हो भैया, तो बहुत हिल रहा यार। ओए गिरना जा, गिरने का नहीं है, हिल रहा है ना सही, बड़ी आसानी से मैं इसे हिला पा रहा हूँ, बट यही कहते हैं कि इसे कोई गिरा नहीं पाया। विंडोज वाला पूरा हिला दिया। ओए तेरे हमारा ऊपर निकल जा साला। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा फोटो शूट करवा रहे हैं भीम पकौड़ा के पास। इसके बारे में अब से पहले मैंने सिर्फ सुना था कि भीम पकौड़े को सिर्फ हिला सकते हैं, उसे कोई गिरा नहीं सकता, और आज हमने ट्राई भी करके देख लिया, सच में कोई नहीं गिरा सकता। और अब जा रहे हैं हम सीधा अपनी गाड़ी के पास, और पीछे देख रहे होंगे आप भीम पकौड़ा। टिप इन टॉप से ज्यादा मजा हमें यहाँ आया यार। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ हमें जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इंसानों की भी थी, जिसकी भी थी हड्डियां थी, इंसानों की हो चाहे जानवर की हो, बट बहुत सारी हड्डियों का वहाँ चट्टा का चट्टा लग रहा था। ये बिल्कुल जंगल वाला इलाका है, तो क्या पता है जंगली जानवर भी रहते हो। तो जल्दी से हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो अभी ऊपर से पैंथर का पंजा है मेरे ऊपर। तो गाइज हमारी गाड़ी चल दी है भाई ऊपर की तरफ, और सेफ्टी के लिए हमारे पास ये है, ये हमें गिरने नहीं देंगे। चल बेटे चल बेटे चल बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल मेरे शेर, बहुत बढ़िया, चल साइड में खाई, इस साइड है पहाड़, बीच में छोटी सी सड़क और उस पे है हम, चल पढ़ने, बहुत बढ़िया भाई। गाइस ये है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, हट जा बिचार, और थोड़ा, ओ भाई साहब हट जाओ हट जाओ, अरे हट जा, आवाज नहीं आ रही, चल चल चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस बस शाबाश शाबाश शाबाश। तो गाइस वैसे तो हम जा रहे थे घर, बट हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। रास्ते में सिद्ध बलि मंदिर पड़ा था, हमने सोचा कि यहाँ दर्शन करते चले भगवान के। मंदिर के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया, इतना खराब है। सिद्ध बलि मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं, और अब चलते हैं सीधा अपने घर। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6:30, और बड़ी जोरदार भूख लग रही है, इसीलिए हम रुके हैं चौधरी ढाबा पर। भाई मिलते हैं जल्दी।